सोशल मीडिया और मीडिया में एक दावा वायरल हो रहा है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने समय से पहले चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बना कर दिया। साउथ एशिया इंडेक्स ने ट्वीट कर दावा किया, भारत के मून मिशन की लॉन्चिंग पर काम करने वाले इसरो के इंजीनियरों को 17 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला। इंजीनियरों ने महीनों तक विरोध किया, लेकिन विभाग ने उन्हें बताया कि वेतन वितरण के लिए कोई धनराशि नहीं है। अथॉरिटीज ने चंद्रयान 3 के इंजीनियरों से कहा था कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। यदि चंद्रयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। साउथ एशिया इंडेक्स ने अपने दावे के समर्थन में न्यूज वेबसाइट द वायर द्वारा 17 जुलाई 2023 को पब्लिश एक न्यूज का हवाला दिया है, जिसकी हेडलाइन में ही दावा किया गया है कि चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड तैयार करने वाले इंजीनियरों को 17 महीने से अधिक बीत गया, सैलरी नहीं मिली है। हालांकि इसमें इसरो का जिक्र नहीं है। हिंदी जगत का प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर और न्यूज चैनल आज तक सहित अन्य मीडिया हाउसेज ने भी इसी दावे के साथ न्यूज चलाई है। वायरल दावे की हकीकत जानने के लिए दीपरक टीम ने इस संदर्भ में गूगल पर कुछ की वर्ड की मदद से सर्च किया। इस दौरान हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा 2 अप्रैल 2023 को पब्लिश एक न्यूज के अनुसार हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC रांची के लगभग 300 अधिकारियों ने अपनी 150 दिनों की हड़ताल वापस ले ली, जब PSU ने अधिकारियों और श्रमिकों दोनों को 2 महीने का वेतन जारी करने पर सहमति व्यक्त की और भविष्य में सभी बकाया वेतन की शेष राशि जारी करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का वादा किया। HEC के अधिकारी सभी बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर 3 नवंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। अधिकारियों को पिछले 16.5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, वहीं कर्मचारी पिछले 12 महीनों से बिना वेतन के रह रहे हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन चंद्रयान 3 के उड़ान भरते ही HEC मेकॉन के इंजीनियर्स ने खुशी मनाई के साथ एक अन्य न्यूज पब्लिश की है। इस न्यूज में बताया गया है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC इसरो का ऑफिशियल पार्टनर नहीं है, लेकिन कंपनी ने चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल 2004-2005 से पहले इसरो विदेशों से लॉन्च पैड आयात करता था। 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने HEC का दौरा किया और विभिन्न क्षेत्रों में PSU की क्षमता और विशेषज्ञता से बहुत प्रभावित हुए। बाद में इसरो द्वारा HEC को मोबाइल लॉन्च पैड, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर और टावर क्रेन समेत अन्य निर्माण का ठेका दिया गया। साफ है कि इसरो के इंजीनियरों के साथ वेतन का कोई मसला है ही नहीं, जैसा कि साउथ एशिया इंडेक्स ने दावा किया है। दीपरक के इस फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि साउथ एशिया इंडेक्स सहित मीडिया हाउसेज का दावा भ्रामक है, क्योंकि HEC इसरो का ऑफिशियल पार्टनर नहीं है और HEC के इंजीनियर्स की सैलरी को लेकर हड़ताल का मामला अप्रैल 2023 में ही सुलझा लिया गया था।